हैप्पी रिटायरमेंट गाइस, मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ मिल चुके हैं। ऋषिकेश से है अर्जुन खलपट्टिया ब्लॉग्स। हेलो, बट एक भी कट करते हैं। दरी भी गिफ्ट होने जा रही है कालीन। भूखी थी, इतनी ड्यूटी करके आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी मुझे कपकोट जाना है, अब मुझे गाड़ी का इंतजार करना है। और कपकोट क्यों जा रही हूँ आपको मैं वहीं जाके बताऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं से इनविटेशन आया था। तो गाइस, ये है यहाँ का पुल। मुझे गाड़ी मिल गई थी इसलिए मैं आ गई। पहले मुझे जाना है मनीषा, यहाँ जॉब करती है, तो उससे मिलने। आज मौसम बढ़िया हुआ है। मनीषा को ढूंढने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ, और मुझे पता नहीं है कंप्यूटर सेंटर कहाँ है जहाँ वो काम करती है। पता करना है पहले, वो फ़ोन उठाई नहीं रही है, दो तीन बार कॉल कर दिया उसे। मुझे जाना है यहाँ। ये है कपकोट का न्यू एरिया। पहले हम यहाँ स्कूल पे आया, मतलब स्कूल टाइम पे आते थे हम यहाँ पे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। घूम फिर के मुझे वो जगह मिल गई है। मनसा ने फ़ोन उठा लिया, इस टुकड़ कहीं कि इसने फ़ोन साइलेंट किया था। ये है जिम, जिम लिखा है, कह रही यहाँ तो फिटनेस क्लब लिखा है। भाई इससे पहले हम स्कूल से आया करते थे ना, उत्तरौड़ा था मेरा स्कूल, तो यहाँ से हम कपकोट पार्टिसिपेट करने आते थे ऐसे कॉम्पिटिशन में। यहाँ बिल्कुल मकान नहीं थे, अभी आके देख रहे हैं यहाँ पूरे मकान ही मकान है। हैं, ये किसी के घर पे खुला है क्या? ये है मनीषा मैम का ऑफिस। लिटरली ये मुझे पूरा घर लगा था। यहाँ पे बुलेरो खड़ी थी मस्त तरीके से। किसी ने अपना रेंट पे दिया होगा आई थिंक। तो मैम यहाँ पे बैठी हुई है। नमस्कार मैम। रिपोर्ट लिखाने एक लड़के के खिलाफ, एक लड़के ने मुझे चीट किया। A few moments later. Guys, अब मुझे अकेले जाना है। इनविटेशन ऐसे मिला है फेयरवेल पार्टी की, कोई फार्मासिस्ट है उनकी फेयरवेल पार्टी है, तो वहाँ कुछ ब्लॉगर्स को भी बुलाया ऐसा कह रहे थे, पता नहीं। यहाँ है कोई पार्टी, अभी तो प्रिपरेशन चल रही है भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये है अर्जुन खलपट्टिया ब्लॉग्स। हेलो, बढ़िया। मैं भी ब्लॉग सुनाती हूँ। हाँ, यहीं आसूम गांव में रहती हूँ। हाँ, कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, आपने जल्दी बुला दिया। चीयर्स लगे हुए हैं। तो गाइस, कल तो मुझे पता था यहाँ पार्टी है, लेकिन ये पता नहीं था किस चीज़ की पार्टी है। तो आज फेयरवेल पार्टी है, कोई फार्मासिस्ट है उनकी फेयरवेल पार्टी है, तो इसलिए हमें बुलाया गया है। और अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, 12 बज चुके हैं, 11 बजे शुरू होगा कह रहे थे, लेकिन अभी भी बलून्स वगैरह प्रिपरेशन चल रही है, देखते हैं। वैसे ये पार्टी है सभी होटल में। हैं अर्जुन खलपट्टिया व्लॉग्स के कैमरामैन, और ये राइन का कैमरा। चल, मुझे कब मिलेगा कैमरामैन? गाइस, यहाँ सारे लोग बोर हो चुके हैं, पता नहीं कब प्रोग्राम शुरू होगा, तो यहाँ पे टाइम पास के लिए रील्स बनाई जा रही है। मैंने तो एक दो सीरियल देख लिए हैं बैठे बैठे। चलो शुरू करो। या रुमाला तो गाइज, ये यहाँ के एनजीओ का पूरा स्टाफ है। हेलो, मतलब चैनल का नाम है प्रियंका साही। अगर ये हाय हाय, ओ गाइज बाहर से बारिश हो रही है, लाइट आ चुकी है। अब अर्जुन खलपट्टिया का सॉन्ग होगा, लाइट सॉन्ग, वो गाना गा रहे हैं। अब सुन रहे हैं। नमस्कार, इस समारोह में आई आप सभी मुख्य अतिथियों का, मैं अर्जुन खलपट्टिया की तरफ से प्यार में नमस्कार। और आपको लाइट ही चली गई। अब जागर लगेगा क्या? अर्जुन खलपट्टिया के गाने एंजॉय करो। स्ट्रगल ऑफ कैमरामैन।
किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। अब मैं गाना गाने जा रही हूँ। इनकी फेयरवेल है, हैप्पी फेयरवेल। हमें यहाँ पे स्नैक्स मिल रहा है एंड फ्रूट्स, पपीता, पता नहीं क्या क्या है। सिस्टर की फेयरवेल पार्टी है तो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है। ये हॉस्पिटल के ही मेंबर हैं, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट। ये लोग तो मुझे गाना गाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन गाइस आपको बताना मैं कितना फटीचर गाती हूँ। नहीं आता मुझे सच में, नहीं आता मेरे को सिंगिंग में, जीरो हूँ। आपकी भी सिंगिंग खराब हो जाएगी मेरे चक्कर में। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। हरीशचंद पोखरिया जी हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हुए हैं, मंच पर मैं उनका डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन हार्दिक स्वागत। जिनकी आज फेयरवेल पार्टी है उनका नाम है राजेंद्र सिंह कपूरी और उनकी वाइफ का नाम है हंसा देवी। उनकी वाइफ एनजीओ में काम करती है तो यहाँ पे एनजीओ का स्टाफ भी आया है, प्लस हॉस्पिटल का भी स्टाफ आया हुआ है। चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं फ्रॉम बागेश्वर हॉस्पिटल से। सारे लोग अपनी अपनी ओर से उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो कपकोटी जी ने इस प्रोफेशन को 39 इयर्स दिए हैं एज अ फार्मासिस्ट। 1985 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी और आज उनको 39 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए उनका रिटायरमेंट हो रहा है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ, अगर इन्होंने 39 साल इस प्रोफेशन को दे दिए हैं तो कब इनकी ज्वाइनिंग हुई और ये अभी तक इतने जवान कैसे हैं? क्योंकि इनके फेस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनकी रिटायरमेंट हो रही है, यानी कि ये 60 प्लस होने जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में भी आ गया है कि एक फार्मासिस्ट को अपने स्किन केयर के बारे में सब पता रहता होगा। इतनी बड़ी तरीबी गिफ्ट होने जा रही है कालीन चिन्ह के रूप में सेवा निवृत्त हो रहा है। और बच्चे हैं फिर भी प्यार और आप लोगों ने किया जा रहा है। अब धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं और इनको बधाइयां दे रहे हैं। अब बारी है केक कट करने की, तो इतना बड़ा केक है। पार्टी हो गई ख़त्म और सब ने अपनी स्पीच दे दी है। मैं बोर भी होगी थी बीच में स्पीच सुन सुन के, लेकिन अब रिटायरमेंट हो गई, मतलब उनका रिटायरमेंट हो रहा ना, तो ऑब्वियसली सब अपने अपने बात रखेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस रखेंगे। फाइनली अब जाके 4 बज गए, पता है पार्टी ख़त्म हो गई। गाइस अब केक भी कट करते हैं। ये लो, मिस्टर कपकोटी एंड मिसेस कपकोटी ने तो केक कट कर दिया, लेकिन खाएगा कौन इसे? तो मैंने देखा यहाँ पे केक तो ऐसे ही पड़ा है, बाकी सब घर को जाने लगे हैं, तो मैंने शुरू कर दिया केक कट करना, क्योंकि बाद में वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा कि हम लोग खा लेते हैं। आपको तो पता ही है मैं खाने में नंबर 1 हूँ। केक खाने के लिए महारानी आ गई है। इससे पहले छुट्टी नहीं मिली आपको ना? ये गाइस अब खाना खाते हैं नीचे, अभी भीड़ खा रही है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है ना, नीचे भीड़ हो रही है ना, तो थोड़ी देर में खाना खाएंगे फिर चलेंगे। खाना खाने के लिए तो रुकी थी मैं इतनी देर तक। ऐसे ठीक है, यहाँ पूरा हेल्थ हॉस्पिटल एरिया पूरा फुल भरा था। किसकी थी गाइस? मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ मिल चुके हैं। ऋषिकेश से आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग? ओके, आप देखती है? नहीं देखती मेरे व्लॉग्स? सोने देखती नहीं? पक्का सोने से बात तो हाँ अच्छा लगता है ना, जब कोई सब्सक्राइबर आके हमसे पूछता है तो हम आपके ब्लॉग देखते हैं। कैसा लग रहा है केक? केक नहीं पसंद, इसलिए मैंने मनीषा के लिए बचा दिया। तो गाइस हम खाना खाने जाते हैं।
और गाने लगे तुम्हें खाना खाते नीचे। ये रहा हमारा पानी का बोतल है। खाने में क्या क्या है देखते हैं, पहले पुलाव है, मिक्स सब्जी, पनीर दूनी पसंद मुझे, दाल है और पूरी और आइसक्रीम है। मुझे तो नींबू ही पसंद है, मैं नींबू ही खाऊंगी। ला यार मेरी थाली मुझे दे, काम चोर कहीं की मत भर यार, मैं नहीं खा पाऊंगी इतना। बस तुझे भी पनीर नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगा किसी ने आवाज़ दिया। मैं उनसे पालती मार के बैठ के खाते हैं, खाना खाने के बाद देते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। जब लास्ट में खाते हैं, मुँह मीठा करते हैं आइसक्रीम। बेचारी भूखी थी, इतनी ड्यूटी करके आई सुबह से 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ड्यूटी करती है और वहाँ पे खाली बैठे रहती है। यहाँ बैंड भी आया हुआ है, अभी वाले बैंड चलने लग गए। हो रहा थी हैप्पी रिटायरमेंट। ये कौन है, ये भी तो बताओ। अच्छा अब आपको टाइम मिलेगा। Okay guys, अब हम विदा लेते हैं अर्जुन खलपटिया ब्लॉग से भी। थैंक यू, और आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय। ओके बाय। अभी बहुत दूर जाना है यहाँ से। कहाँ से? दो घंटे लगते हैं मेरे घर के लिए यहाँ से। तो गाड़ी है, बाइक वगैरह सामने? अच्छा, रेड कलर। ओके बाय। ठीक है बाय। और इसमें तो नया चीज़ है, टीवी भी लगी है। गाइस अभी शाम हुई है और आज भी स्टेडियम में जाना बनता है। आज के बाद हम रोज़ जाएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा नेट आ रहा है और मुझे अपना ब्लॉग भी अपलोड करना है क्योंकि 100% डाटा तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपना दिन भर। अब मैं जितना 5G से ही, क्योंकि इसका फ्री रहता है 5G में आके, तो जितना ब्लॉग डाल सकते हैं। क्या स्कूल खुलने वाला है? हो गया होमवर्क कम्प्लीट है सारा? यहाँ बजरी साड़ने का काम हो रहा है ना, पूरा ग्राउंड खाली है। तो गाइस ये हमारे पूरा ग्राउंड हो गया। चल चल यार मैं करती हूँ अब। वाह कितने मजा आ रहे हैं। अब मैं एक ही महीने पतली हो जाऊंगी, कल से रोज सुबह आऊंगी। मैं रोज बोलती हूँ सुबह आऊंगी, उठ ही नहीं पाती। वैसे सुबह भी आते होंगे यहाँ लोग। यहाँ अब हमारे गांव के नहीं, दूर दूर के अलग अलग गांव के भी आ रहे हैं। पहले हम ही लोग आते थे। गाइस मैं यहाँ अपना ब्लॉग अपलोड करने आई थी क्योंकि यहाँ पे 5G चलता है, और 5G तो चल रहा है, यूट्यूब भी मस्त चल रहा है, लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा है। बाय गाइस। बाय गाइस। अब धीरे धीरे लोग आ गए हैं, करने लग गए हैं अपनी एक्सरसाइज। गाइस यहाँ पे हम पानी पीते हैं और अब हम घर जाते हैं क्योंकि बारिश आ रही नीचे से बहुत ज़्यादा। ना पंकज उसको पकड़। देखो नीचे बारिश हो गई है, कुछ ही देर में यहाँ भी पहुँच जाएगी। फटाफट से घर जाते हैं। गाइस बारिश शुरू हो गई है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काम करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है बाय।